इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने 24 अप्रैल को स्पष्ट किया कि अमेरिकी विरासत टैक्स पर उनके बयान को मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। पित्रोदा का यह स्पष्टीकरण तब आया जब कांग्रेस पार्टी ने उनकी टिप्पणी से खुद को दूर कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनकी टिप्पणी पर आलोचना करनी शुरू कर दी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले पित्रोदा ने कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया हो। उनके पिछले कई बयान भी उनकी पार्टी को पसंद नहीं आए थे और बीजेपी ने उनकी आलोचना की थी। 1984 के सिख विरोधी दंगों पर हुआ तो हुआ, मई 2019 में जब पित्रोदा से 1984 के सिख विरोधी दंगों पर सवाल किया गया तो उन्होंने दंगों में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के इन्वॉल्वमेंट पर एक सवाल का तो हुआ तो क्या हुआ जवाब देकर हंगामा खड़ा कर दिया था। आपने 5 साल में क्या किया उसकी बात करेगी। 84 में हुआ तो हुआ, आपको नौकरियां पैदा करने के लिए वोट दिया गया था, आपको 200 स्मार्ट शहर बनाने के लिए वोट दिया गया था, आपने वो भी नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, इसलिए आप यहाँ वहाँ गप लगाते हैं। ये बात बीजेपी के इस आरोप पर एक सवाल के जवाब में कही गई थी। 1984 में सिख विरोधी दंगों के दौरान निर्देश प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल से आए थे। पुलवामा हमले पर हर समय होता रहता है। फरवरी 2019 में पित्रोदा ने पुलवामा हमलों के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट हवाई मामलों की सत्यता पर सवाल उठाया था। पित्रोदा ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की, वकालत की और कहा कि किसी हमले के लिए पड़ोसी देश के सभी नागरिकों को दोषी ठहराना गलत है, जिसमें कुछ लोग शामिल थे। मैं हमलों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, ऐसा हमेशा होता है। राम मंदिर से नौकरी पैदा नहीं होगी। जून 2023 में पित्रोदा ने फिर से विवाद खड़ा कर दिया था जब उन्होंने कहा था कि मंदिर भारत की बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे। इन चीजों के बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन हर कोई राम, हनुमान और मंदिर की बात करता है। मैंने कहा कि मंदिर नौकरियां पैदा नहीं करने जा रही। न्याय योजना पर शेल्फिश मिडिल क्लास। पित्रोदा ने अप्रैल 2019 में कहा कि मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं होना चाहिए और इसके बजाय पार्टी के प्रस्तावित न्याय के लिए अधिक टैक्स का भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक ऐसी योजना जो प्रत्येक के लिए गारंटिक न्यूनतम आय का वादा करती है। बता दें कि पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में कथित तौर पर देश में अमेरिकी विरासत टैक्स कानून की वकालत की है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उनके विचार हमेशा पार्टी की स्थिति को नहीं दर्शाते हैं। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।